हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दुनिया में ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे लीची खाना अच्छा नहीं लगता होगा। लीची एक ऐसा फल होता है जो देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है, इसके साथ ही खाने में तो और ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। आज मैं आपको लीची के बहुत सारे फायदों के बारे में बताऊँगा जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी होते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, लीची का सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, यह गर्मियों के मौसम में खाया जाने वाला एक फल होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वजन को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। अगर आप मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में आप लीची का इस्तेमाल करें। अपने वजन को कम करने के लिए लीची फल बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। लीची फल के अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो आपके वजन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा लीची के अंदर पानी की भी अच्छी मात्रा होती है जो कि आपके वसा को बहुत जल्दी कम कर देती है। यही कारण होता है कि आप लीची का इस्तेमाल करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। यह आपके वजन को बढ़ने भी नहीं देती है, साथ ही साथ इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा भी कम होती है जिसके कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाती है और फैट के रूप में जो जमी हुई वसा होती है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से वजन को कम करने के लिए लीची आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। आप चाहें तो दोस्तों इसे अपने इम्यूनिटी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्वादिष्ट लीची विटामिन सी की अच्छी मात्रा से गुनी रहती है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है इसको बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन सी पानी के अंदर घुलनशील रहता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का भंडार माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को बाहरी रोगाणुओं से बचाने में मदद करते हैं। इसी तरह से हमारे प्रतिरोध क्षमता को वृद्धि कर विशेष रूप से लीची के फायदे सर्दी खांसी जुकाम फ्लू जैसे भयानक बीमारियों को बचाने में मदद करती है। इसके अलावा जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए लीची खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें लीची का उपयोग करना चाहिए। लीची के अंदर पोटाशियम और सोडियम का एक संतुलित स्तर होता है, इसी कारण यह शरीर के अंदर जो उच्च रक्तचाप बना होता है उसको कम कर देता है। इसके अलावा पोटाशियम शरीर के अंदर वैसोडिलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके रक्त वाहिकाओं को आराम दिलाने में और इसके अंदर मौजूद अवरोधों को कम करने में मदद करता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में आपको मदद मिलती है। लीची के अंदर मौजूद अन्य पोषक तत्व शरीर के अंदर मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी तरह से यह आपके रक्तचाप को और दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। दोस्तों, लीची का इस्तेमाल आप अपने पाचन सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण होता रहता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी बनती रहती है। यदि आपका पाचन तंत्र खराब है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है। इस स्थिति में आपको अपने शरीर के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों आपको लीची का इस्तेमाल करना चाहिए। लीची के अंदर फाइबर के साथ साथ पेक्टिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि स्वस्थ मल त्याग करने में मदद करता है। यह आपके स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखता है। यह दोनों पदार्थ मल को ठोस बनाने में और नरम बनाने में मदद करते हैं ताकि वे गुदा द्वार से आसानी से गुजर सकें। इस तरह से लीची का उपयोग करके आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और मल त्याग करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, लीची का एक फ़ायदा होता है, वो होता है हड्डियों के लिए। हमारे शरीर की संरचना हड्डियों पर आधारित रहती है, इसलिए हमें अपने एक मजबूत हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है। लीची उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए लीची नियमित रूप से सेवन करनी चाहिए। लीची के अंदर मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और तांबा जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, इसलिए आपको नियमित रूप से लीची का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, लीची का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर कर सकते हैं। एक स्वस्थ रक्त परिसंचरण के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ सर्कुलेशन के लिए आपको लीची खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लीची के अंदर तांबा की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करता है। तांबा भी आयरन की तरह शरीर में RBC के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को उचित मात्रा में करने के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों इसके अलावा लीची आपकी सुंदरता के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा के अंदर कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, ये परिवर्तन हमारी बढ़ती हुई उम्र को दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपने चेहरे पर अगर मुहासे आने लग जाएँ, तेलीय त्वचा होने लग जाए या सनबर्न होने लग जाए, इन सभी की वजह से बॉडी की जो रफनेस होती है बढ़ जाती है और जो सुंदरता होती है पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसे में आप लीची का इस्तेमाल करें। लीची उम्र बढ़ने के साथ होने वाले जो शरीर में फ्री रेडिकल होते हैं उसके उत्पादन को कम करता है। फ्री रेडिकल शरीर के अंदर त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी कारण ये झुर्रियाँ वगैरह हमारे शरीर में आती हैं। लीची के अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल को बाहर निकालने में मदद करते हैं और आपकी त्वचा को सुंदर बनाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों लीची का एक आयुर्वेदिक गुण बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, या आपके बालों के विकास के लिए लीची का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको 7 से 8 लीची के रस को 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर मिलाना है। इन दोनों को आपस में अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद आपको अपने सिर पर लगाना है। 1 घंटे बाद किसी भी हल्के शैम्पू के साथ अपने बालों को धो लें। यह आपके बालों को पर्याप्त पोषण देता है, आपके शरीर के अंदर विकास की बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आपके बाल समय से पहले पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएं या सफ़ेद पड़ने शुरू हो जाएं या फिर बाल झड़ने शुरू हो जाएं, ऐसे में आप लीची को खाएं या फिर लीची का इस्तेमाल करें, यह आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों लीची का इस्तेमाल करके मोतियाबिंद को रोका जा सकता है। जिन लोगों को आँखों से संबंधित समस्याएँ होती हैं, अक्सर दोस्तों मोतियाबिंद की परेशानी बड़ी उम्र वाले लोगों को होती है, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको लीची का इस्तेमाल करना चाहिए। लीची का इस्तेमाल मोतियाबिंद को रोकता है। दोस्तों लीची का एक फ़ायदा होता है, वो होता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। कई अध्ययनों से ऐसा पाया गया है लीची के अंदर यौन स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। लीची का सेवन करने से यौन इच्छा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर मौजूद पोटाशियम, तांबा, विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जो कि आपकी काम इच्छा को बढ़ाने में करती है। यह आपकी यौन इच्छा की कमी को दूर करती है और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लीची के नुकसानों के बारे में। वैसे तो दोस्तों लीची हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा खाने पर आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को लीची से एलर्जी होती है, उन्हें लीची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर करें। यह आपके शरीर के हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनती है। अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको आंतरिक रक्त स्त्राव, बुखार की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लीची के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को भी संक्रमित कर देता है। यदि आप किसी विशेष प्रकार के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लीची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों लीची के अंदर चीनी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि मधुमेह पेशेंट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।